बस इतना ही कहेंगे कि हमारे बपिदा चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मिस यू बपिदा। आई थिंक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा म्यूजिक, अगर म्यूजिक राइटर्स के नाम होंगे तो उनमें से आई थिंक अगर टॉप थ्री में हम गिने जाएं तो बपिदा हैं, और हम सब उनके गाने सुन के बड़े हुए हैं। और जैसे आजकल की जनरेशन में जिसमें हम जैसे सिंगर्स आए हैं उनको भी उन्होंने टक्कर दिया। लेटेस्ट गाना उनका था उराला, और मतलब कमाल के सिंगर, कमाल के कंपोज़र, और बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनके साथ परफॉर्म करा है। यूएसए में मैंने शोज भी करे हैं, और अच्छी बात है कि वो खुशी खुशी गए हैं, गाते गाते गए हैं। एंड बट बहुत यंग एज में मैं देख रहा था, ही इज़ जस्ट 69, इतनी छोटी एज में, मतलब अगर उनका करियर देखेंगे तो 20 साल में ही उन्होंने सुपरहिट गाने दे दिए। तो बस यही भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को ये सहन करने का मौका दें। सर, सबसे पहले जो है, जो बात है जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा याद आएगी, टूटेगी उनके जाने के बाद? देखिए, हमने बचपन ही देखो डिस्को डांसर, हमने अगर मूवी देखी है तो उसमें याद आ रहा है, या इल्ज़ाम पिक्चर गोविंदा जी की। बोल, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं जो सिंगर्स को बनाते हैं, इन्होंने एक्टर्स को बनाया, मूवीज़ को बनाया। तो ज़्यादातर हम म्यूजिक डायरेक्टर के इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि वो उनकी वजह से बहुत सारे सिंगर्स लॉन्च होते हैं, बट इनकी वजह से बहुत सारे एक्टर्स आए हैं, मतलब मिथुन दा, गोविंदा जी, और बड़े बड़े, अगर आप, हाँ जी, बड़े बड़े म्यूजिक आप देखेंगे, गाने देखेंगे। और यही नहीं कि सिर्फ डांस नंबर उनके थे, और जैसे दिल में हो तुम, ऐसे गाने भी उन्होंने गाए, तुम्हारा प्यार चाहे सैया बिना अगर सुन, इतने बड़े म्यूजिक, इतने बड़े बड़े गाने उन्होंने दिए। तो बस बहुत याद करते हैं हम, बट भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आई थिंक पूरा हिंदुस्तान में अगर 90% लोग हैं तो उनके गाने गा के अपना गुजारा कर रहे हैं, दाल रोटी कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। पीछे लता जी गए, उनका बहुत दुख है, और साथ में ये दूसरे लेजेंड हमें छोड़ के गए हैं। थैंक यू। Great loss in industry, you know. This is life, bhai, this is life. But you have to understand, 69 years of, wo bhi 1973 se gaane dete hue, aur aise gaane jo hamare sath zindagi bhar rahenge, to bapida hamare aur hamari rahenge. Aapke personal parivarik sambandh kaise the? Mere se wo, matlab aap sochoge, ye mera ghar hai, aur chal ke 5 minute mein unka ghar cross hota tha. तो हम छोटे थे तो जब भी हम वहाँ से क्रॉस करते थे गाने सुनाई देते थे उनके तबले पे बाहर आते हुए। तो तब से हमारा रिलेशन है, जब मैं कुछ 15-16 साल का था, ये रिलेशन बहुत पुराना है। और अभी 3 महीने पहले भी हम साथ में गए थे, तो बपिदा वंडरफुल सोल, गॉड ब्लेस हिम, और वो अमर हैं और हमेशा रहेंगे। उनके गाने तो रोज़ सुनते हैं, लव यू ऑल, जस्ट प्रे फॉर एवरीबडी। बस बहुत न्यूज़ आती जा रही है, धनाधन, एंड एवरीबडी जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ दिस कोविड। माइंड इम्यूनिटी रखता है सबसे मेन। थैंक यू।